हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। 1093 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का किया गया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने किया उद्घाटन। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर FIR दर्ज, लॉकडाउन के उल्लंघन करने का लगा आरोप। और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सासाराम में धूम, छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण के बाल रूप को किया धारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के 1093 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का केंद्रीयकृत रूप में पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया, जिसमें सहरसा जिला अंतर्गत 3,08,25,000 रुपए की लागत की कुल 18 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाएं भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहरसा मुख्यालय स्थित मत्स्य गंधा झील का वेबकास्टिंग के माध्यम से अवलोकन भी किया। आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आज जिले के 18 योजनाओं का, इसमें 17 पोखर और 1 लिफ्ट इरीगेशन है, इसकी कुल लागत 308 लाख रुपए है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ मत्स्यगंधा झील जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना इस जिले का है, इसका जीर्णोद्धार कार्य अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और इसमें आगे जो कार्य होने वाले हैं उसके बारे में मेरे द्वारा संक्षेप में बताया गया। मुख्यतः इसमें मिट्टी उड़ाई का कार्य है, उस पर डेवलपमेंट का कार्य है। तो मिट्टी उड़ाई का कार्य तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, जिसमें कि 5.25 लाख मीटर क्यूब मिट्टी की उड़ाई की गई है और मिट्टी को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में प्रयोग किया गया है। फ्यूल पावर ग्रिड के साथ विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में भी यूज किया गया है। साथ ही साथ इस पोखर के चारों तरफ जो 14 मीटर का पाथवे है उसमें भी मिट्टी भरने का कार्य किया गया इसी मिट्टी से। आगे जो कार्य होना है रेनी सीजन के बाद, उसमें इस पाथ के इस पोखर के चारों तरफ 8 मीटर की चौड़ाई में पेवर ब्लॉक लगेगा और दोनों पेवर ब्लॉक के दोनों साइड में 3 मीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ वृक्षारोपण होगा। ये तो योजना का प्राकलन में निहित है। साथ ही ये जो स्लोप देख रहे हैं काफ़ी अभी खड़ा है, उसको और जेंटल किया जाएगा ताकि वो स्टेबल रहे। ये सभी योजना में और भी शामिल है जो कि रेनी सीजन के बाद किया जाएगा। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर रोहतास जिले के करगहर थाने में FIR दर्ज किया गया है। उन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बता दें कि 7 अगस्त को करगहर में उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक लॉज में बैठक की थी, जिसमें आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। वह इस मामले में 19 नामजद और 50 से 60 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किए गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सासाराम में धूम है, खासकर छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के बाल रूप धारण कर प्रफुल्लित हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में सजा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण भजन के ताल पर नाचते दिख रहे हैं। क्योंकि इस बार लॉकडाउन है, जिस कारण मंदिरों में लोग न जाकर घर पर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। RPF की टीम ने बख्तियारपुर के हकीकतपुर मोहल्ले स्थित 2 साइबर कैफे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ई टिकट का अवैध धंधा कर रहे 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इन सभी गिरफ्तार आरोपियों के पास से 50 से अधिक ई टिकट, 40,000 रुपए, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, CPU सहित प्रिंटर बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में RPF इंस्पेक्टर पंकज प्रकाश ने पूरे मामले की जानकारी दी है। जो बख्तियारपुर में मेन रोड हकीकतपुर में स्थित है, बहुत दिनों से पर्सनल यूजर ID पर रेलवे का ई टिकट बना करके अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस संबंध में इसके जानकारी मिलने पर हम लोगों ने जांच किया और जांच में मामला सही पाया। आज उसके दुकान 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, एक साथ टीम बना करके, जिसमें बहुत सारा रेलवे का पर्सनल यूजर ID पर ई टिकट बना हुआ मिला। इसमें कुछ पुराने हैं, ओल्ड टिकट हैं, कुछ फ्यूचर के टिकट हैं। इन लोगों के द्वारा पर्सनल यूजर ID का उपयोग करके लोगों से ज़्यादा पैसे लेकर के
अवैध ढंग से टिकट बनाया जा रहा था, जिससे जेन्युइन आदमी को टिकट नहीं मिल पाता। खबर हाजीपुर से है, जहां राजद ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक खोला है। इसका शुभारंभ पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की ओर से मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते गरीबों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण राजद की ओर से ऑक्सीजन बैंक खोला गया है और यह कोरोना संक्रमित मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन बैंक में चिकित्सक और सेविकाएं भी तैनात रहेंगी, जो जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में सहयोग करेंगे। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन ने भी निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक खोले जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ऑक्सीजन बैंक के जरिए गरीब लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। स्थापना किया गया है, इससे कोरोना के जितने भी पॉजिटिव मरीज होंगे उनको कोरोना के अंतिम क्षण में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके लिए आज हम लोग ऑक्सीजन बैंक बनाने का काम किए हैं। इस तरह का पूरे जिला में हम लोग निर्माण करेंगे ऑक्सीजन बैंक का। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे बड़े भाई एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक शिवचंद्र राम जी, लगातार कोरोना मरीज का देख रेख के लिए हम लोग दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए चार्ज नहीं, माने इसमें कोई चार्ज नहीं, ये निःशुल्क है, ये गरीबों के लिए है। गरीब लोग आएगा, गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब जो झोंकड़ी झोंपड़ी में रहने वाला लोग है, बाढ़ में है, किसी स्कूल में रह रहा है, कहीं रह रहा है, वो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा तो उसको तुरंत हम लोग अगर सक्षम है आने के तो यहाँ आवे। यहाँ डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा, नर्सेज रहेगा, पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। कोरोना का मरीज आएगा उसको बजावते देखा जाएगा, और अगर जरूरत किसी को गरीब को पड़ा तो बजावते अपनी गाड़ी से उसके घर तक पहुँचाया भी जाएगा। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ की त्रासदी का प्रभाव अब भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी के अचानक आने से एफसीआई के गोदाम में रखे गरीबों के निवाले पानी में भी कर बर्बाद होने लगे हैं। वहीं अब डीएम शीर्षक कपिल अशोक अधिकारियों के टीम के साथ केसरिया के गोदाम पहुंचे। अधिकारियों का दल नाव पर सवार होकर गोदाम में पहुंचा और क्षति का आकलन किया। बाढ़ और अप्रत्याशित जो जलवृद्धि हुई है प्रखंड कार्यालय में, उसके तहत जो नुकसान हुआ था, जो फूड ग्रेन्स हमारे जो है डैमेज हो गए हैं, उसके लिए यहाँ पे हम आए थे। तो एजीएम लोग भी है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसका रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुआ है और दोषी कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर हम कार्रवाई करने भी जा रहे हैं। परंतु ये खेदजनक बात है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से जो खाद्यान्न है जो गरीबों के लिए आया है वो नष्ट हो गया किसी कारणवश। हाजीपुर के भगवानपुर थाने के बहलोलपुर में घरेलू झगड़े में चाचा और भतीजा आपस में बहस कर रहे थे। अचानक चाचा ने चाकू निकाला और भतीजे पर हमला कर दिया। पड़ोसी झगड़े का वीडियो बना रहा था, इसी दौरान चाकूबाजी की यह वारदात मोबाइल में कैद हो गई। वारदात के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना अंतर्गत जिनोरिया स्थित इंडियन बैंक से अज्ञात अपराधियों ने बैंक प्रहरी को जख्मी करते हुए बैंक से 64,63,990 रुपए की लूट कर ली थी। इस कांड का उद्भेदन करते हुए औरंगाबाद पुलिस ने इस कांड का मास्टरमाइंड अपराधी सुदर्शन रविदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके पास से 8,00,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। 30/7 को दाऊदनगर अंतर्गत इंडियन बैंक में डकैती की घटना घटी थी। इस संदर्भ में एसआईटी का गठन किया गया था। एएसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में एसडीपीओ दाऊदनगर, इंस्पेक्टर दाऊदनगर और थानाध्यक्ष दाऊदनगर और अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन हेतु टीम का गठन किया गया था। उस उद्भेदन के क्रम में 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन लोगों के से पूछताछ के क्रम में इस घटना में शामिल मुख्य अपराधकर्मी मास्टर सुदर्शन उर्फ मास्टर का नाम सामने आया। अनुसंधान टीम ने, एसआईटी ने अपना जाल बिछाकर सुदर्शन उर्फ मास्टर की गिरफ्तारी की। उस
उससे पूछताछ के क्रम में उसके बताए अनुसार 8 लाख रुपये बरामद हुए जो लूटे हुए थे। बाराचट्टी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख चंदिया देवी एवं उप प्रमुख इंद्रदेव यादव के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनहित के कोई कार्य नहीं किए हैं और समिति के समस्याओं को कभी गंभीरता पूर्वक हल करने का विचार तक उन्होंने नहीं किया है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजूरिया एनएच 28 ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर के पश्चिम लेन में गोपालगंज की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी में 230 बोतल विदेशी शराब डुमरिया घाट पुलिस ने जब्त किए हैं, जबकि चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने दी है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार द्वारा बेतिया में बाढ़ का जायजा लेने पर सीपीआईएम पश्चिम चंपारण जिला मंत्री प्रभुराज नारायण राव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बाढ़ से जूझ रहे, पानी घिरे, जीवन मौत से लड़ रहे लोगों तक जाए, तटबंध पर शरण लिए हुए लोगों की हालत को देखे, धूप एवं वर्षा से बचाव के लिए उनके पास छत तक नहीं है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि पश्चिम चंपारण को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। देखिए, अभी तक बिहार सरकार या जिला प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम कहना चाहते हैं कृषि मंत्री से कि आज बड़े पैमाने पे लाखों की तादाद में लोग तटबंधों पर सहारा लिए हुए हैं, गांव में मचान बना बना कर लोग किसी तरीके से अपने को पानी से बचा रहे हैं, सांप चल रहे हैं, सांप लोगों को काट रहे हैं, कितने लोग डूब गए मर गए, मवेशी डूब गए मर गए, और किसी को कोई भी राशन की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड क्षेत्र स्थित कनहौली में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहैब के नेतृत्व में युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान राजद नेता रतन कुमार ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राजद के दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर पूरे लगातार हम लोग पूरे बिहार में बाढ़ राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर में लगभग हम लोगों का लगातार आज 10वां दिन रहा, जहां हम लोगों ने छिंद भगवतीपुर मुजफ्फरपुर जिला में राशन सामग्री बांटने का काम किया, आगे भी करते रहेंगे। हमारे युवा राजद का एक ही संकल्प है, जब तक एक भी भूखा हम लोग से छूटना नहीं चाहिए, यही हमारे राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है। क्योंकि यहाँ बिहार सरकार में जो भी जितने भी मंत्री और जितने भी आला अधिकारी हैं, सभी चैन की नींद सो रहे हैं, बाढ़ से पूरा बिहार कराह रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।